हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरी 1 मंथ की जो डॉटर है वो अभी 8 सितंबर को ही 1 मंथ की कंप्लीट हुई है। सो उसका ही मैं आपके साथ पूरा 24 घंटे का रूटीन जो है, 24 आवर्स वो क्या करती है, कैसे करती है, उसका जो रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई होप आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा क्या क्या करती है वो। वैसे अभी 1 महीने के बच्चे का कुछ भी रूटीन जो है वो सेट नहीं होता है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों की सेट हो जाती हैं। सो वही शेयर करना मैंने स्टार्ट किया है। एंड मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है इसकी मालिश से। और हाँ, मेरी ये सेकेंड डॉटर है, फर्स्ट डॉटर जो मेरी है वो बड़ी बेटी है, एंड ये सेकेंड डॉटर है, इसका नाम ईरा है। तो आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि ये मेरी सेकेंड डॉटर है। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। और आपसे यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको अगर मेरा वीडियो, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का जो मालिश है वो सुबह वाली मालिश से वीडियो स्टार्ट किया है। एंड मॉर्निंग रूटीन जो है वो भी मैं आपके आगे आगे आने वाले व्लॉग में जो है पूरा शेयर करूँगी, ये कितने बजे उठती है, क्या करती है, तो इसी व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी की मालिश कर रही हूँ। वैसे मैं डेली मालिश अपने से नहीं करती हूँ, एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वही ईरा की मालिश करती हैं, बट आज वो 3-4 दिन से छुट्टी पर हैं, वो नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मालिश कर रही हूँ। बट मेरी बड़ी बेटी की मैंने ही मालिश की थी। मेरा ऑपरेशन अभी हुआ है, बहुत नाजुक टाइम होता है, इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। पीठ में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है ज़्यादा देर बैठने से, इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लोई कर रही हूँ। ये जो लोई है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। जो मैं आपको लोई के बारे में बता रही हूँ ना, इस लोई से क्या होता है, आपके जो बॉडी में, फेस पर जो भी फेशियल हेयर होते हैं वो बहुत ईजीली रिमूव हो जाते हैं। तो बचपन से हम लोगों के, मैंने तो देखा है कि हम लोग के ऊपर भी ये अप्लाई हुआ है। सो मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। और आप लोग कितने लोग हैं जो लोई करते हैं अपने बच्चों के, बताइएगा मुझे कमेंट करके। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी सितंबर में जिनकी डिलीवरी हुई है, तो क्या आप लोग भी लोई कर रहे हैं, बताइएगा। ये आटा होता है ना खाने वाला, उसको ही गूंथ करके उसमें कुछ लोग हल्दी और मलाई वगैरह भी डालते हैं। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप सिंपल आटे का, जो रोटी का आटा बनता है ना, उस आटे से भी अगर आप चाहें तो आप लोई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे के कान में जो गंदगी वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। एंड छोटे छोटे से रोए होते हैं आईब्रोज़ के पास या फिर कान के पास, वो धीरे धीरे शोल्डर्स के पास सब निकल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं करते हैं तो ज़रूर करिएगा, एंड अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेटी की मालिश जो है वो कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर जो है 1.5 घंटे के लिए लेटा देती हूँ। कभी कभी ये 10-15 मिनट ही लेटती है, और कभी कभी तो ये तुरंत ही उठ जाती है। तो डिपेंड करता है बच्चे के मूड पर जितनी देर वो सोता है। वैसे मालिश करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत देर तक सोते हैं। वैसे मैं ज़्यादा देर तक तो रगड़ती नहीं हूँ ना बच्चे को, ज़्यादा देर तो मालिश करती नहीं हूँ, थोड़ा सा ही बस तेल लगाती हूँ, बहुत नहीं कर पाती हूँ अभी, तो इसलिए ये ज़्यादा देर नहीं सोती है। बट बच्चे लोग जो है वो बहुत देर तक मालिश के बाद सोते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर देंगे, और इससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। तो बस वही सब मैं यहाँ पे उसको कर रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे मालिश जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इनको कपड़े पहना करके थोड़ी देर सुला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ईरू जो है वो फीड करके थोड़ी देर सो गई है। तो यहाँ पे ईरू उठ गई है, चलो अभी इनको फीड करा देते हैं। यहाँ पे ये नई ड्रेस निकल आई है, आज वो पहनने वाली है। तो अभी मैंने यहाँ पे ईरू को नहला दिया है, नहलाया नहीं है एक्चुअली, मैं स्पॉन्ज बाथ ही दे रही हूँ उसको, पानी से, टिश्यू से और वाइप से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉशरूम में बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एंड नहीं बनता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं उसको वाइप की हेल्प से, गर्म पानी ले लिया मैंने लुकवॉर्म, और उसकी हेल्प से ही मैं यहाँ पर इसको पोंछ करके अच्छे से रेडी कर दूँगी। एंड उसकी फ़्रॉक मैंने आज आपको दिखाई है कि वो क्या ड्रेस पहनने वाली है, और अभी देखिए उसको कितना रोना आ रहा है। लेकिन जब वो भारती दीदी के साथ नहा
आती है ना तो बहुत इंजॉय करती है अपने बात को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरू रो रही है तो मैं उसको चुप करा रही हूँ और बस मैंने अब इसको पोंछ दिया है टॉवल की हेल्प से। अब इसको यहाँ पे हम कपड़े पे ना करके रेडी कर देंगे और बस यहाँ फटाफट से मैंने उसके कपड़े निकाले हैं और उसको पहनाना शुरू कर दिया है और वो अभी भी रो ही जा रही है। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, ऐसे वो रोती नहीं है बट आज पता नहीं उसको क्या हुआ था, वो समझ गई थी क्या कि वीडियो बन रहा है और रोती जा रही है रोती जा रही है। फिर मैंने उसको पहले चुप कराया, उसके बाद फिर से मैंने उसको चुप कराने के बाद कपड़े पहनाना स्टार्ट किया। तो बस यही सब प्रोसेस जो है वो बच्चों के साथ चलता रहता है। और तो तैयार करने के बाद यहाँ पे मैं इसको विटामिन डी का जो ड्रॉप है ना वो दे रही हूँ। और दिन में आप किसी भी समय एक बार दे सकते हैं, सो मैं तो इसी समय दे देती हूँ नहलाने के तैयार करने के बाद। तो वो पी करके थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दूध पिलाती हूँ तो फिर वो सो जाती है। और अभी देखिए यहाँ पे मैं उसको फीड करा चुकी हूँ एंड उसको मैं बर्फ दिला रही हूँ। अच्छा, रेडी होने के बाद क्या होता है, जनरली ये सो जाती है बट आज ये नहीं सो रही थी तो अभी ये दादू के साथ अपने खेल रही है। और कभी मम्मी के साथ खेलती है मतलब दादी के साथ और कभी दादू के साथ, इस तरह से वो थोड़ी देर बाहर जाके खेल लेती है। तब तक मैं अपना थोड़ा बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ एंड अभी लंच का टाइम हो गया है, मेरा खाना पीछे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अभी इरू जो है वो सो गई है तो बस अब खाना खाने से पहले ये सो चुकी है, अब मैं इसको लिटा दूँगी, ये आराम से अब 2 घंटे तो सो जाएगी। तो अभी आफ्टरनून हो चुका है, 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम है एंड इरू फिर से उठ गई है। तो अब मैंने उसको फीड कराया है बीच में एंड अब थोड़ा देर मैं उसको ऐसे ही बर्फ दिला रही हूँ। जब ये बर्फ दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बच्चे को बर्फ नहीं दिलाएंगे ना तो उससे बच्चे के पेट में गैस हो जाएगी और वो बहुत रोता है बच्चा। तो यह याद रखिए कि अगर जितना फीड कराते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को बर्फ दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ शाम होते होते पीहू आ जाती है तो उसको थोड़ी देर खेलना ही होता है अपनी सिस्टर के साथ। तो अभी ये इस समय वैसे खेलती है पर लग रहा है कि सो रही है, पर वो सो नहीं रही। और पीहू मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या हो गया, ये क्यों सो रही है, ये मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही है। वो देखो वो उससे बोल रही है, पर वो इस टाइम को बहुत इन्जॉय करती है। स्कूल से आने के बाद बोलती है मम्मा मुझे इरू को गोद में दे दो। तो दोनों बहनों को टाइम देना चाहिए, मतलब बच्चों को टाइम देना चाहिए एक दूसरे के साथ, उनमें बॉन्ड अच्छा बनता है। सो बस यहाँ पर वो लोग टाइम अपना इन्जॉय कर रहे हैं एंड धीरे धीरे जो है अब शाम हो चुकी है। तो बीच में वो आफ्टरनून में मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं किया कि वो बार बार उठती है बार बार सोती है, मैं उसको फीड कराती हूँ, ये प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत चलता रहता है। और अभी यहाँ शाम हो चुकी है तो मैं शाम को फिर से इरू के हाथ पैर में तेल जो है वो मलती ही हूँ, मतलब थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ। तो उसके कपड़े वगैरह भी चेंज करती हूँ, अभी वही मैं करूँगी, रात की जो फुल ड्रेस होती है वो पहना देती हूँ। अच्छा, 1 महीने के बच्चे जब तक होते हैं ना तब तक बच्चों के माइलस्टोन जो हैं वो क्या क्या वो क्रॉस कर लेते हैं, सब बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा देर से एक्टिव होते हैं, देर से अपने काम करते हैं। अभी जैसे इरू है वो अपने आई विज़न को काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर मतलब देखने लगी है, फ़ैन चलता है तो फ़ैन को भी देखती है, और बच्चे भी करते हैं, आपके बच्चे हो सकता है कुछ और करते हों। और इरू भी यहाँ पर है जो फ़ैन को देखती है, फ़ैन चलता है जब तो लाइट्स देखती है एंड अगर कुछ बलून वगैरह ऊपर मैं उड़ा मतलब लगा देती हूँ तो वो उसको भी देखती है। तो इस तरह से बच्चों का आई विज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यही है। एंड हाँ, आपको आपने नोटिस किया होगा कि अगर बच्चे हैं इस समय आप अपने बच्चे को अगर फिंगर पकड़ाते हैं अपनी तो बच्चे ज़रूर फिंगर को होल्ड करते हैं, वो कुछ खिलौना पकड़े या ना पकड़े लेकिन आपकी फिंगर को वो ज़रूर पकड़ेंगे, कभी आप इसको नोटिस करिएगा। एंड कुछ बच्चे हैं जैसे कि जैसे लेटे हैं ना तो धक्का दे के पीछे की ओर हटते हैं, तो वो 2-3 महीने में कुछ बच्चे कर लेते हैं बट यहाँ पर मैंने इरू को देखा है कि वो पैर को धक्का मार करके पीछे की ओर जाने लगी। तो ये कुछ अचीवमेंट होते हैं जो बच्चे मंथ बाय मंथ अपना करते रहते हैं। बस हल्का सा यहाँ पे ऑयल लेकर के मैं थोड़ी सी मालिश जो है वो कर दूंगी। और अभी मैंने इरू को डायपर पहना दिया था और ज़्यादा मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ लेकिन रात में मैं इरू को डायपर ज़रूर पहनाती हूँ क्योंकि रात में मेरे को भी बार बार उठना नहीं होता है और दिन में तो मैं उसको फ्री रखती हूँ
और रात में मैं इसको डाइपर पहना देती हूँ, जिससे कि मैं भी थोड़ी देर आराम से सो सकती हूँ और ईरा भी आराम से सो जाती है, क्योंकि बच्चे जब बार बार पी करते हैं तो उनकी नींद भी खुल जाती है एंड रोइंग है वो, तो आपकी भी ऑब्वियस है कि नींद ख़राब हो जाएगी। सो इसलिए मैं उसको रात में तो डाइपर पहनाती ही पहनाती हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल जो है वो बच्चे के पैर में मल दीजिए, जिससे कि जो उसकी दर्द होता है पैरों में वो सब ठीक हो जाएगा और आराम से बच्चा रात में सोएगा। तो सोने से पहले अगर बच्चे की आप रात में मालिश करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि बच्चा आपका पहले से ज़्यादा सोएगा और रोएगा कम। तो मालिश करने के बाद मैंने यहाँ पे ईरा के कपड़े बदल दिए हैं एंड उसको अभी मैंने फीड करा के अब मैं उसे यहाँ पे बर्ब बुला रही हूँ। एक बात आपको यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, जब भी आप फीड कराते हैं तो उस बीच में आप अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखिए, आप भी साथ के साथ पानी पीती रहिए। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आप अपने बच्चे को फीड करते हैं तो इस बीच में आप भी पानी पीते रहिए, जिससे कि आप भी हाइड्रेटेड रहिए। तो यहाँ पे पीहू वापस से आ गई है और अपनी बहन से यहाँ पे वो बातें कर रही है। दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पीहू भी परेशान हो जाती है कि ये मेरे साथ कब खेलेगी ऐसा, लेकिन फिर मैं उसको समझाती हूँ तो वो समझ जाती है। बट वो भी बच्ची है अभी और वो बहुत चाहती है कि ईरू भी उसके साथ प्ले करे, खेले, बातें करे, बट इसको भी मैंने अभी समझाया है। और बस यहाँ पे अभी ईरा जो है वो थोड़ी देर खेलेगी, मस्ती करेगी अपनी सिस्टर के साथ और मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीती जाती हूँ, क्योंकि पानी हमारे लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं इनको बहुत देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि इनका रूटीन था ये सो जाती थी, लेकिन बट आगे जैसे कि ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि बच्चों का कभी एक महीने का कोई रूटीन होता ही नहीं है, तो मैं बहुत देर से इनको सुला रही हूँ पर ये सो नहीं रही है, अपना गाना अलग ही गाई जा रही है। तो चलो मैं अभी देखती हूँ कितनी देर में ये सोती हैं, 10-15 मिनट या आधा घंटा, तो जब ये सो जाएंगी तो दिखाती हूँ फिर मैं। तो 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पे ईरू सो गई थी और सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे और ये तो मस्त अभी आधा घंटा एक घंटा सोएगी, तब तक हमारा डिनर वगैरह भी हो जाएगा। हाँ, इतना अच्छी बात नहीं है रोना रोना, बस। तो यहाँ पे हम सब लोग का डिनर वगैरह हो चुका है, ईरू फिर से उठ गई है, मैंने उसको फीड कराया एंड बर्ब दिलाया। अब उसके बाद यहाँ पे नाइट टाइम रूटीन इनका करना है, तो नाइट में अभी जब ये सोने वाली होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना लेट से लेट ही डाइपर पहनाऊँ उतना अच्छा है। तो ईरू 10 बजे तक पूरा अच्छे से सो जाती है, तो मैं उसको 9:30-10 बजे ही डाइपर पहना देती हूँ, उसे कवर कर देती हूँ एंड डाइपर रैश क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, जिससे कि उसको बिल्कुल रैशेज ना हों। देखो दीदी आ गई, दीदी वॉक करके आई है, अब देखो ईरू को बोलेगी हाँ हाँ। वॉक करके अभी पीयू जा रही है ब्रश करने, ईरू यहाँ पे डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अभी नाइट टाइम हो गया है, क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, 10 बज गए अभी ईरू के सोने का टाइम हो रहा है, अब ये सोएगी, उसके पहले यहाँ मस्ती चल रही है। तो सोने से पहले ईरू के डैडी भी उसके साथ मिस मस्ती करते हैं, खेलते हैं एंड अब 10 बज चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ईरू को स्वेडल कर दूंगी, इसको अच्छे से रात में मैं स्वेडल रैप करके ही सुलाती हूँ, जिससे कि इसको ठंड भी नहीं लगती है और ये अच्छे से इसमें कवर्ड रहती है और बहुत इन्जॉय करती है स्वेडल रैप। मुझे नहीं पता सारे बच्चे करते हैं कि नहीं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं वो स्वेडल में कंफर्टेबल फील करते हैं एंड उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे ईरू को रैप कर दूंगी, जैसे ही इसको रैप करेंगे ना तो ये एकदम इसको अच्छा फील होगा। मैं बहुत अच्छा तो ये नहीं बांध पाती हूँ स्वेडल वाला, ये पर बन जाता है। हाँ, लाइट ऑफ कर देते हैं, जिससे इनको फीलिंग ऐसी आती है कि अभी हमें सोना है। तो यहाँ पे लाइट वगैरह ऑफ कर दी है, वीरू को कैप लगा देंगे एंड बस अब वो सोने के मूड में आ चुकी है। तो हमारे
हमारी ईरा जो है वो भी सो गई है एंड 10:15 बज रहे हैं, इसको लिटा देते हैं। अब जब ये सो गई है तो इसको सुलाने के बाद ये उठेगी अब सीधे 12:30 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे, और फीड करेगी और फिर सो जाएगी। मैंने इसको स्वेडल कर दिया है और सो रही है, चलो लिटा देते हैं इसे। तो ये 12:30-1 बजे के आसपास फिर से उठी थी, फीड कराया मैंने एंड फिर इसको मैंने सुला दिया था, और इसी तरह बीच में ये 2 से 3 बार तो उठती ही उठती है। तो अभी सुबह हो चुकी है, 7:15 बजे ईरा उठ गई थी, और अभी देखिए यहाँ पे 7:45 हो रहा है, और यहाँ पे अभी ईरा को मैं चेंज वगैरह करा दी हूँ डाइपर। जब ये सुबह उठती है तो मैं इसको डाइपर सबसे पहले इसको चेंज कराती हूँ, अगर ये रोती है तो इसको फीड करा देती हूँ, देन डाइपर चेंज करती हूँ, एंड इसी तरह इसका रूटीन जो है चलता रहता है। अभी कुछ भी एज सच बहुत अच्छे से फिक्स तो नहीं है। तो चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।